जो सोशल मीडिया है ना, नोट वाला नोट नोट डिब्बा सड़ जाएगी, सड़ जाएगी। नोट नहीं तुम चाहते? हमारे पास नोट नहीं, नेपाल फंसाया गया। क्यों फंसा? तुमको पुलिस फंसा रही, हम लोगों को क्यों नहीं फंसा रही? सर हम क्या जाने, तो हम तो घर थे, हमारे पास कुछ और लोग क्यों नहीं फंसा दे? हमारे पास कब ले आए थे नेपाल से नोट, ये बताओ। 10 वर्ष पहले एक बार मैं काम किया था, फिर मैं अपने यहाँ से चला के मैं छोड़ दिया। कितना लाए थे नोट? 20,000 ले आए थे। ये इसके साथ महोदय मऊ के नेतृत्व में एक सफलतापूर्वक एक अभियान चलाया जा रहा है अपराध अपराधियों के विरुद्ध। इसमें फेक इंडियन करेंसी नोट FICN फेक इंडियन करेंसी नोट यानी कि जाली मुद्रा, इसके कुछ लोग पकड़े गए थे अभी हाल ही में, यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके उपरांत हम लोगों ने पूरा नेटवर्क इसको खंगाला है, तो जनपद मऊ और अन्य अगल बगल के जनपदों के कुछ लोगों के संदिग्धों के नाम हमारे पास प्रकाश में आए, और हम लोगों की टीम एक बनी हुई है, क्राइम ब्रांच और स्वाट और सर्विलांस टीम है, प्लस ये 3 थाने की फोर्स है, ये बनी हुई है, एक टीम बनी हुई है, और इस टीम के द्वारा लगातार इनपुट्स जुटाए जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी क्रम में ये इसराफुल हैं, पुत्र समीउल्ला, निवासी छोटी रहजनिया, कोतवाली इसी थाने के रहने वाले हैं, और ये भी उसी नेटवर्क से जो मंसूर आदि का नेटवर्क था उससे ये जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट इन्होंने ही उन लोगों को प्रथम पाठ उनका नकली नोट का पढ़ाया, नेपाल से बीरगंज से नकली नोट ले आते थे और इनके माध्यम से चलाते थे। फिर जब नोटबंदी हुई और नोट नए नोटों को बनाना मुश्किल होने लगा, तो फिर ये लोग प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करके और आसपास के भोली भाली जनता को ये गुमराह करके रात में चला के या गरीब व्यक्तियों के यहाँ चला के अंधेरे में चला के ये नोट निकाल दे रहे थे। तो ये इसी क्रम में ये पकड़े गए। इनके पास है 100 नोट 50 रुपये के, कुल 3 सीरीज है 50 रुपये के ओरिजिनल नोट्स को ये फेक नोट बनाते थे, 3 सीरीज है नकली नोट की, कुल 100 नोट ये पकड़े गए हैं और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। आगे लोगों पे निगाह है क्या? और लोग आगे आगे एक पूरा गिरोह ही है और उस गिरोह के साथ कुछ और लोग छोटे छोटे गिरोह जुड़े हुए हैं, तो आपको भविष्य में इस तरह की और गिरफ्तारियां देखने को मिलेगी।